सो वेलकम टू माय चैनल. सो एज यू नो मेरा चैनल का नाम है हर्षिल डायरी. सो दिस इज अबाउट अ वर्चुअल डायरी जो मैं मेंटेन करने वाला हूँ कि मैं मेरी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ. सो मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है सो दैट मैं वो चीज़ें अपलोड कर सकूँ, वो चीज़ें मैं बता सकूँ दैट वॉट आई एम ट्राइंग टू डू एंड वॉट थिंग्स आई एम ट्राइंग न्यू इन माई लाइफ. दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट कि आज मेरे सिटी में हर्ष गुजराल का एक स्टैंड अप शो है और मैं वो अटेंड करने जाने वाला हूँ. सो मैंने सोचा उसके बारे में एक व्लॉग बना लेते. तो ये मेरा पहला व्लॉग है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई हैंड एंड इंट्रोड्यूसिंग माई रूममेट. और ये इसके पीछे एक इंसान है और चेहरा ढका हुआ है, अच्छा है. वो गलती से आपको आगे वाले वीडियोज़ में दिखता रहेगा तो माफ़ कर देना उसको. वो डीमोनिटाइजेशन के टाइम पर ऐसे चेहरे बंद हो जाने चाहिए थे पर हुए नहीं थे. तो देखते हैं कब तक चलते हैं ये. यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे. ये पूरी हंसी देगा आपको, पूरा ये बहुत अच्छा कंटेंट देता है. मतलब एकदम देखते रहना आगे, मजा आएगा आप लोग को. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ माय फर्स्ट व्लॉग गोज. सो स्टे ट्यून. थोड़े इश्यूज हो रहे हैं उलाने में तो मैं रेडी तो हो गया हूँ बट एज पीजी में रहते तो मिरर तो कहीं पे नहीं है जहाँ पे मैं अपना लुक बता सकूँ. बट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर टुडे एंड मोर ओवर कि लेट्स सी. पहले तो कपड़े वपड़े सुखाने पड़ेंगे, पीजी में रहते काम खुद करना पड़ रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है. बट स्टिल लोकेशन पर पहुँच गया हूँ. तो जहाँ थे यार एक्चुअली ऑटो में आ रहा था यार ऑटो वाला एटीट्यूड यार. पैसेंजर लेके आया साथ में और आने के टाइम पे बारिश की वजह से ऐसे ही बहुत ट्रैफिक और पैसेंजर बिठा रहा था. मैंने बोला यार भैया जल्दी चलो यार, लेट हो रहा है मेरे को शो के लिए जाना. तो उसे लगा कि मैं परफॉर्म करने वाला. तो भैया भैया आप क्या करते हो? बोला मैं परफॉर्म करता हूँ. बोला क्या परफॉर्म करते हो? बोला स्टैंड अप कॉमेडी. तो बोला वो क्या होता है? तो मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है. तो बोला ओके ओके भैया ठीक है, तो आप अलग अलग जगह पर करते हो? बोला हाँ हाँ. तो बस ये सब किया, जल्दी लाया था, परफेक्ट हुआ, पैसेंजर बिठाए नहीं आगे. तो हाँ मतलब झूठ बोल दिया. बोलो अगर काम हो सकता है झूठ बोल दिया जितना हो. चलो मैं जितने भी क्लिप्स हो सकेंगे वो डालता रहूँगा. वो मधुर सा गाना नहीं बजता पीछे, वो बजता रहेगा क्लिप्स आते रहेंगे. अरे गाइस आ गए हैं हम वापस. चेंज वेंज कर लिया बहुत सही. एक सेकेंड यार, पंखे का आवाज़ बहुत आ रहा था. हाँ तो अब ठीक है, अब सही आवाज़ आ रहा है. तो हाँ बहुत सही रहा आज का दिन, बहुत लाइक इट वाज अमेजिंग. इतने टाइम बाद शायद इतने अच्छे से हंसी आई होगी. वो थोड़े अनॉइड थे लाइक शो से पहले बिकॉज वो थोड़े लेट हो गए थे आज ड्यू टू ये वेदर कंडीशन जो यहाँ पे है उस वजह से. बट स्टिल उन्होंने अच्छा पुल आउट कर लिया, बहुत सही रहा शो, मज़ा आया. ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो एंड आई वुड सजेस्ट यू लाइक इफ पॉसिबल और कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन का शो हो तो जाना चाहिए. वो जिस तरह क्राउड हैंडल करते हैं और वो सब देखने में एक अलग मज़ा आता है. टेक्निकली देखो तो भी बहुत अलग मज़ा है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाओ तो भी बहुत मज़ा आएगा. इट वॉज अ ग्रेट टाइम. लाइक पहले व्लॉग के लिए आई गेस बहुत ही बढ़िया कंटेंट रहा मेरे लिए और अच्छा लगा बहुत. उनसे फोटो खींच उनके साथ एक फोटो खिंचवाने का भी मौका मिला. सो दैट वॉज अ फैन मोमेंट फॉर मी. मेरा रूममेट वेलकम करना चाहेगा व्लॉग पे भाई. हाय गाइस, सब्सक्राइब टू हिज चैनल. क्या क्या भाई? सब व्हाटएवर. सो थैंक यू सो मच. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो वो एक मोटिवेशन होता है. पैसा मिलेगा. ऐसे बोलना नहीं होता भाई. ये तो है भाई, तुमने रूम की हालत देख ली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. पैसा मिलेगा, मैं अच्छे रूम अच्छे बैकग्राउंड के साथ शूट कर पाऊंगा. तो हेल्प करो गाइस. ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड.